जी, तो आज की वीडियो में आपको बताएंगे आईटेल A25 का माइक का कनेक्शन कहाँ से आ रहा है। ये मेरे पास एक कस्टमर मोबाइल लाया है आईटेल A25, जिसमें माइक काम नहीं कर रहा था। ये यहाँ पे कनेक्शन ही नहीं था, ठीक है, वैल्यू ही नहीं दे रहा था कुछ भी माइक पे, ठीक है, दोनों पोर्टों पे कोई भी वैल्यू नहीं दे रहा था। ये माइक की स्ट्रिप जो है ये एलसीडी में से ही अटैच होती है एलसीडी के साथ, तो ये यहाँ से बैंड जहाँ से हुई है ना, यहाँ से ये डैमेज है, इसकी वजह से इसमें वैल्यू नहीं बता रहा, प्रिंट आ ही नहीं रहे यहाँ तक। सो हमने इसमें दो जंपर दिए, जंपर आपको बताते हैं कहाँ से दिए। ये एलसीडी का, ये जो एलसीडी की स्ट्रिप है इसका दूसरा पॉइंट यहाँ से दूसरा और यहाँ से दूसरा, अंदर वाला दूसरा और बाहर वाला दूसरा, ये दोनों पॉइंट इसके माइक के होते हैं, तो इन दोनों से वैल्यू ये देख रहे हैं यहाँ पे आ रही है, ठीक है। यहाँ से फिर हमने जंपर ले लिए, क्योंकि जैक से जंपर लेने में थोड़ा मुश्किल होती, यहाँ से इजीली जंपर तो उठाए, तो उठा करके सीधा माइक पे, माइक वाले पॉइंट पे लगा दिए और चेक किया माइक, ओके माइक बिल्कुल काम कर रहा है। कभी भी आपके पास आईटेल A25 आता है जिसके माइक का देखें कोई पॉइंट नहीं आ रहे या एक नहीं आ रहा, दोनों नहीं आ रहे, तो आप यहाँ से जंपर दे सकते हैं इसको। ओके ओके।